काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और उनका यही कहना था कि सर, जब हम बस में चलते हैं, जब हम ऑटो में चलते हैं या कभी किसी को लिफ्ट देते हैं, तो जो अनजान लोग हमको मिलते हैं, उन लोगों को कैसे अप्रोच करना चाहिए ताकि वो लोग हमारे बिजनेस में हमारे साथ जुड़ के अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म बिजनेस कर सकें। होता ये है, जब भी कोई अनजान व्यक्ति हमको मिलता है तो हम डायरेक्टली उसको बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं पे मार खाते हैं। जी हाँ, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। कभी कभी कस्टमर्स के एंगल से सोचना बहुत ज़रूरी होता है। सोचो, कभी आपने किसी से लिफ्ट मांगा, उसने आपको लिफ्ट दिया और थोड़ी बातचीत भी आपसे करने लगा, यार आप मेरे साथ बिजनेस करोगे, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, कुछ पैसा भी नहीं लगाना है, मैं आपकी मदद कर दूंगा, मिलके काम करेंगे। अगर ऐसी बातें कोई आपसे करे तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सोचा है कभी? आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल आएंगे कि यार ये मुझे अभी अभी मिला है, ये मुझे क्यों अपने बिजनेस में पार्टनर बनाएगा, ये मुझे क्यों फायदा दिलाना चाहता है, क्या इसकी पहचान वाला कोई नहीं है जिसको ये फायदा दे सके, ये आखिर क्यों मेरी मदद करना चाहता है, कहीं मुझे फंसाना तो नहीं चाहता है, कहीं मुझे किसी कंपनी में मेंबर तो नहीं बनाना चाहता है। दोस्तों, सेम ऐसा ही तब भी होता है जब आप अनजान आदमियों से मिलते हो और डायरेक्टली उनको अप्रोच करने लगते हो। सेम यही सवाल उन अनजान आदमियों के दिमाग में आना स्टार्ट हो जाते हैं और ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी प्रॉस्पेक्ट हम खो देते हैं और हमारी पर्सनल स्पॉन्सरिंग्स बहुत कम हो जाती हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, जिस फॉर्मूले को अगर आपने 100% फॉलो कर लिया तो आपके पास प्रॉस्पेक्ट्स की लाइन लग जाएगी। आप जितनी चाहे उतनी लैग्स ओपन कर सकते हो, मल्टीपल आईडीज पर एक साथ बिजनेस चला सकते हो, आप हर अनजान व्यक्ति को ना सिर्फ अपने बिजनेस में ज्वाइन करवा सकते हो बल्कि उसके साथ लाइफ टाइम एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा भी कर सकते हो। और दोस्तों, ये फॉर्मूला है 3 ships फॉर्मूला। इसमें सबसे पहला शिप है फ्रेंडशिप। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि हम अनजान लोगों से मिलते ही बिजनेस की बात करने लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मान लो किसी व्यक्ति को आपने लिफ्ट दिया, वो आपकी गाड़ी में बैठा तो बातचीत शुरू होती है, आप कहाँ से, मैं कहाँ से, थोड़ा अपने बारे में आप बताओ, थोड़ा उसके बारे में जानो, जो भी थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में पता चलता है उसकी तारीफ करने की कोशिश करो। जैसे आपको पता चलता है कि वो किस गांव या किस शहर से है, तो अगर आप उस एरिया के बारे में कुछ भी जानते हो तो उस आधार पे उसके गांव या शहर की तारीफ कर सकते हो। तारीफ सबको पसंद होती है। बातों बातों में अगर आपको पता चल जाता है कि वो क्या काम करता है तो उसके प्रोफेशन की तारीफ कर सकते हो। तो ये तारीफ तारीफ के सिलसिले में यहाँ पहला शिप डेवलप होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फ्रेंडशिप। इस फर्स्ट स्टेप में आपको एक बात का बहुत खास ख्याल रखना है कि आपको नाम, काम, दाम, इसका जिक्र बिल्कुल नहीं करना है। यानी कंपनी का नाम नहीं बोलना है, क्या काम करना है ये नहीं बोलना है, कितना पैसा लगाना है ये भी नहीं बोलना है, क्योंकि हम अभी सिर्फ फ्रेंडशिप डेवलप कर रहे हैं। तो आपने उसे सिंपली बोलना है, जब आप अपने बारे में उस व्यक्ति को बता रहे हो तो आपने अपने बारे में सिर्फ इतना ही बताना है कि यार मेरे पास एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और वही डिस्ट्रीब्यूटरशिप से एक एजेंसी डेवलप करने के लिए मैं इस एरिया में आया था। वो एजेंसी को डेवलप करने के लिए हर 10-15 दिन में मेरा यहाँ का चक्कर लगता ही रहता है, अगली बार आएंगे तो आपसे दोबारा ज़रूर मिलेंगे। आपने अपने काम के बारे में बस इतना ही बताना है। ये सब बात करके आपने उसका नंबर ज़रूर ले लेना है, वरना ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाएगा, सेकंड स्टेप में आप नहीं जा पाओगे, नंबर लेना ज़रूरी है। अब जब ये व्यक्ति आपकी गाड़ी से उतरने वाला है, जब आपका कुछ मिनटों का साथ छूटने वाला है, तब आपने इस व्यक्ति को क्या बोलना है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, उम्मीद है दोबारा मुलाकात होगी। उसके बाद आगे की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास उस व्यक्ति का नंबर आ जाता है तो आपने तुरंत उसी दिन कॉल नहीं करना है, 2-3 दिन के बाद छोटा सा एक कैजुअल SMS उसको डालना है, पर ध्यान देना कि वो SMS बिल्कुल भी बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं होना चाहिए। कोई गुड मॉर्निंग मैसेज डाल सकते हो या कोई त्यौहार है तो उसको विश कर सकते हो। ये SMS छोड़ने के बाद आपको उसके रिप्लाई का वेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो रिप्लाई करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो बंदा इंटरेस्टेड है आपके साथ बात करने में, आपके साथ फ्रेंडशिप डेवलप करने में। 2-4 बार SMS से कैजुअल कन्वर्जेशन होने के थोड़े टाइम के बाद आप उसको कॉल करो, बट आपको ये कॉल में भी बिजनेस से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी है, यानी नाम, काम और दाम की चर्चा बिल्कुल नहीं करनी है, बस हाय हेलो करना है कि पता नहीं यार आज ऐसे ही नंबर देख रहा था, आपका नंबर दिखा तो बात करने का मन हुआ तो कॉल किया, कैसे हैं, ठीक हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है सर अभी चलते हैं, तो कभी उस एरिया में आऊँगा तो कॉल करूँगा, ज़रूर मुलाकात करेंगे आपसे, बस इतना बोल के फ़ोन कट कर देना है। ध्यान रहे कि ये बातचीत बहुत ज़्यादा लंबी मत करना, कोशिश करना कि 3 से 5 मिनट से ज़्यादा बात लंबी ना हो, ताकि सामने वाले को ये ऐसा ना लगे कि आप उसका टाइम खा रहे हो। तो इस तरह से 1-2 SMS, 1-2 कॉल्स,
तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आपका फ्रेंडशिप डेवलप हो रहा है ना। अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप स्टार्ट करना है, यानी दूसरा शिप डेवलप करना है। दूसरा शिप क्या है, रिलेशनशिप। अब जब आप उस एरिया में दोबारा जा रहे हो तो उसे कॉल करो और मिल लो। रिलेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। अपने बारे में और ज्यादा बताओ, उसके बारे में और ज्यादा जानो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अपने बारे में और ज्यादा बताओ, उसके बारे में और ज्यादा जानो। ध्यान देना, नाम काम दाम के बारे में आपने अभी भी साइलेंट रहना है दोस्त। इसके अलावा अपने बारे में और कुछ भी बता सकते हो। अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आपने कॉमन लिंक्स कनेक्ट करने हैं। हो सकता है कि आपके पॉलिटिकल व्यूज कॉमन हो सकता है कि आपके रिलीजियस बिलीव्स कॉमन हो सकता है कि आपका फेवरेट स्पोर्ट कॉमन हो सकता है कि आप दोनों को ही मूवीज देखना पसंद हो, या आपकी खाने पीने की चॉइसेस कॉमन हो। इन्हें कहते हैं कॉमन लिंक्स, यानी जो भी चीजें आप दोनों में कॉमन है उन्हें फाइंड आउट करना है। मजबूत रिलेशनशिप्स इन्हीं के बेसिस पे डेवलप होती हैं। यहां भी आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना है दोस्तों, कि आपने बड़ी सावधानी से वो सब बातें भी जान लेनी है जो आप में कॉमन नहीं है। जब आपको किसी भी ऐसी चीज के बारे में पता चलता है जो आप लोगों में कॉमन नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है कि उस चीज को अवॉइड किया जाए या उस टॉपिक पे डिस्कशन ही ना हो। समझ में आ रहा है, सिर्फ उन्हीं बातों पे पूरा फोकस रखना है जो बातें आप में कॉमन है। अच्छी रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आप एक और बहुत मजबूत स्टेप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी मौका मिलता है उसकी किसी भी तरीके से कोई भी छोटी से छोटी भी हेल्प करने का, तो वो मौका आपने छोड़ना नहीं है। जब आप किसी भी व्यक्ति की हेल्प करते हो तो उसकी नजरों में आपका कद और बड़ा हो जाता है, उसके दिल में आपके लिए रेस्पेक्ट पैदा हो जाती है और आप पर उसका विश्वास भी कहीं गुना बढ़ जाता है। कुछ टाइम तक इसी तरह से रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करो। फिर उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, यानी आपने तीसरे शिप पर अब जाना है। और यहां पर तीसरा शिप क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। फटाफट से टाइप कीजिएगा सर, सभी लीडर्स जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप जब भी उससे मिलना चाहोगे वो मना नहीं करेगा और आपकी बात को आसानी से काटेगा नहीं, तब आपने उसे अपने बिजनेस की जानकारी देनी है। एक बात का ध्यान देना है कि इस स्टेप में आपके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहले आप अलग तरीके से उससे मिलते थे, बात करते थे, और अब आप अलग तरह से उससे मिल रहे हो या बात कर रहे हो। इंसान के बिहेव में चेंज आने से उसके रिलेशनशिप्स की केमिस्ट्री बिगड़ जाती है, यानी बिहेव में चेंज आने से आपकी आप अब तक की करी हुई मेहनत खराब हो सकती है। आपको यह बात हमेशा याद रखनी है कि चाहे वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करे या ना करे, आपको उसके साथ में रिलेशनशिप, अपनी फ्रेंडशिप खराब नहीं करनी है। क्योंकि प्लान देखने के बाद हर व्यक्ति तुरंत ज्वाइन कर ले ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ लोग 2-4 महीने के बाद भी ज्वाइन करते हैं, तो आपने फ्रेंडशिप खराब नहीं होने देनी है। अगर आप पहले से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की ट्रेनिंग्स अटेंड करते हुए आ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का नेक्स्ट स्टेप होता है इनवाइटिंग। अब इनवाइटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे इस छोटी सी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, बट डोंट वरी, अगर आप इनविटेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी इनविटेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, जिन्हें देखकर आप इनविटेशन के बेसिक्स की जानकारी बहुत ही आसान भाषा में ले सकते हैं। मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनविटेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और इसकी हर एक टेक्निक में मास्टर होना चाहते हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग कोर्स परचेज भी कर सकते हैं, जो कि आपको सबसे कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। ट्रेनिंग कोर्स का नाम है द आर्ट एंड साइंस ऑफ इनविटेशन। इसमें 3 क्लासेस हैं, यानी हम आपको 3 वीडियोस देंगे और हर क्लास लगभग 1.5 से 2 घंटे की होगी, यानी ये पूरा ट्रेनिंग कोर्स लगभग 5 घंटे का है। इसकी फीस 2,000 रुपीज़ है, बट ईयर एंड सुपर सेल में ये कोर्स इस समय आपको पूरे 70% फ्लैट डिस्काउंट में मिल रहा है, यानी जस्ट 600 रुपीज़ पे करके आप इस कोर्स को सीख सकते हैं और बन सकते हैं इन्विटेशन में एक्सपर्ट। 7906988005 पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के द्वारा पेमेंट डाल के पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी नंबर 7452879069 पर आप भेज दें, आपको 24 घंटे में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, और आप किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।